एवरीवन, आई एम प्रियंका एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं मुंबई का फेमस क्रॉफर्ड मार्केट। तो चलो जानते हैं इस मार्केट में रीच कैसे होना है। आप लोकल ट्रेन पकड़कर मरीन लाइन स्टेशन आ जाओ एंड जैसे आप स्टेशन से बाहर आओगे ना, आपको शेयर टैक्सी मिल जाएगी जो चार्ज करेगी 12 रुपीज़ पर पर्सन एंड आपको पहुँचा देगी क्रॉफर्ड मार्केट। आप चाहो तो 120 बस से भी आ सकते हो जो आपको चार्ज करेगी सिर्फ 5 रुपीज़ पर पर्सन। गाइस, इस मार्केट में आने के लिए और बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे आप CST आ सकते हो या फिर आप मस्जिद बंदर आ सकते हो। वहाँ से बस वॉकेबल डिस्टेंस में आपको क्रॉफर्ड मार्केट दिख जाएगा। नेक्स्ट गाइस, ये है कंफर्ट। आज हम शेख मेमन स्ट्रीट प्लस अब्दुल रहमान स्ट्रीट दोनों स्ट्रीट एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलो साथ में इस मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ अब्दुल रहमान स्ट्रीट एंड जैसे ही मैं अब्दुल रहमान स्ट्रीट में एंटर हुई ना, मेरी नज़र इन मग्स पे पड़ी और ये सारे मग्स मिल रहे थे जस्ट फॉर ₹100। इनके पास बहुत ही अच्छे अच्छे मग्स थे, बारबी थीम के थे, इनके पास हैरी पॉटर थीम के थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। एंड अगर आपको थोड़े फैंसी कप्स चाहिए जैसे किंग क्वीन वाले लिड के साथ, मिस्टर एंड मिसेस वाले लिड के साथ, तो उनकी प्राइस उन्होंने मुझे कोट की थी 500। यहाँ पे बार्गेनिंग बहुत अच्छे से चलती है, तो गाइस कुछ भी लोना तो बार्गेन ज़रूर करवाना। नेक्स्ट, अगर आपको डोरमैट्स चाहिए तो वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे। सिंगल डोरमैट की प्राइस थी 100 अगर आप छोटा वाला लेते हो एंड अगर आप बड़ा वाला लेते हो तो उसकी प्राइस होती है अराउंड 125 ईच, मतलब 250 में आपको पूरा पेयर मिल जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे ना फ्लैट 200 रुपीज़ में वॉलेट्स वगैरह, स्लिंग्स वगैरह, पर्स वगैरह मिल रहे थे। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी होती है, मैंने पर्सनली ये सारे यूज़ किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे चलते हैं ये और इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है, सिर्फ 200 में आप कोई भी पिक कर सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट, क्रॉफर्ड मार्केट में आपको बच्चों के लिए सॉफ्ट टॉयज़ मिल जाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी के होते हैं। इनकी प्राइसिंग चालू हो जाती है 200 से लेकर अराउंड 800 की रेंज में, विच इज़ नॉट बैड। नेक्स्ट गाइस, अगर आपकी बेबी गर्ल है, जस्ट बॉर्न बेबी गर्ल है या फिर आपको उनको कॉटन की फ्रॉक्स वगैरह पहनाना पसंद है, तो ये स्टॉल आपको ज़रूर पसंद आएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्यूट क्यूट बेबी फ्रॉक्स मिलते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹100। यहाँ पे आपको ना अप टू 5 ईयर्स के बच्चों के लिए आराम से यहाँ पे आपको ये सारे ड्रेसेस मिल जाते हैं। अगर आपको चिकन मटेरियल में चाहिए, प्योर कॉटन मटेरियल में चाहिए या फिर आपको दूसरे किसी मटेरियल में चाहिए ना, जैसे सीक्वेंस वगैरह हो गया, तो वो भी यहाँ पे आपको ईजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट गाइस, इस मार्केट में ना आपको फुटवेयर देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको फ्लैट्स चाहिए तो वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे, एक ही 1 इंच वाले हील वाले चाहिए तो वो भी मिल जाते हैं या फिर पूरे फ्लैट चाहिए तो वो भी मिल जाते हैं, जूते वगैरह चाहिए तो वो भी यहाँ पे आपको ईजीली मिल जाएगी। मैं सारी चीज़ों की प्राइस ना स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ जिससे एक आपको आइडिया रहे, ओके। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे ना आपको कॉस्मेटिक भी रोड पे मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे मैं आपको ये आइस रोलर दिखा रही हूँ जो छोटा वाला था और उसकी प्राइस सिर्फ 50 रुपीज़ थी। ब्यूटी ब्लेंडर्स का कलेक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, छोटे छोटे ब्यूटी ब्लेंडर्स मिल रहे थे, बड़े मिल रहे थे, आई शेडो पैलेट्स वगैरह, लिपस्टिक से लेकर हर चीज़ यहाँ पे मिल रही थी। मुझे ये हाइलाइटर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे आपको फुटवेयर में ये सारे शूज़ वगैरह मिल रहे थे, इनकी प्राइस उन्होंने मुझे कोट की थी 350, विच इज़ नॉट बैड क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। एंड अभी विंटर सीज़न आ गया ना, तो यहाँ पे आपको विंटर के रिलेटेड भी फ्लैट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे जो ठंडी में आप अपने घर पर पहनने के लिए यूज़ कर सकते हो। हील्स वगैरह मिल जाती है, ये सारे फ्लैट्स मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी रहती है इनकी। नेक्स्ट गाइस, इस मार्केट में ना आपको वाटर बॉटल्स का कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये सारे वाटर बॉटल्स जो भी मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ना, इनकी प्राइसिंग चालू होती है 200 से और आजकल इनके पास इतने प्यारे प्यारे सिपर्स आ गए ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अगर आपको यहाँ पे ना अपने शूज़ वगैरह रखने के लिए शू कवर चाहिए तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इनकी ये भैया सेल कर रहे थे 100 रुपीज़ में 4। नेक्स्ट, पूरे इस लेन में ना आपको लैंटर्न वगैरह अगर चाहिए तो, दिया होल्डर वगैरह चाहिए, कुछ एंटिक चीज़ें चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। नेक्स्ट, इसी गली में ना आपको स्टेशनरी के रिलेटेड बहुत कुछ मिलने वाला है। मैं सबकी प्राइस स्क्रीन पर मैंशन कर रही हूँ, सो डोंट वरी गाइस। अब्दुल रहमान स्ट्रीट में ना अगर आपको होलसेल में सब चीज़ें चाहिए ना, तो वो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल रेट्स पे मिलती है क्योंकि पूरी गली में ना होलसेल है। एंड आपको जो रोड साइज दिखते हैं ना, ये सारे रिटेल आपको देंगे। अगर आपको सिंगल पीस चाहिए तो वो भी यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। इनके पास माइंडफुल गेम्स बहुत ज़्यादा थे जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। नेक्स्ट, फिर मैंने ये बैग्स चेकआउट किए जिनकी प्राइस चालू हो रही थी 200 से।
क्रिसमस तो चला गया लेकिन क्रिसमस की थोड़ी बहुत चीज़ें अभी भी रह गई है, लोग अभी भी परचेज कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था क्रिसमस ना क्रॉफर्ड मार्केट क्रिसमस में, बाय गॉड मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा, आई मीन पूरा मार्केट ना क्रिसमस से ही पूरा सज गया था। नेक्स्ट गाइस, अगर आप ट्रंक्स देख रहे हो अपने लिए देन गुजरात ट्रंक डिपोट आपके लिए परफेक्ट रहेगा, क्योंकि इनके पास जो ट्रंक्स मिलते हैं वो पूरे मार्केट में और कहीं नहीं मिलते, सिर्फ इनके पास ही आपको मिलेंगे और इनकी प्राइसिंग चालू हो जाती है 250। आई मीन जो सबसे छोटा डिब्बा है ना उनका, उसकी प्राइस चालू होती है 250 से लेकर इनके पास अराउंड 1500 2000 के रेंज में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे आपको ट्रंक्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, अगर आपको पैकेजिंग का मटेरियल चाहिए ना, अगर आपको कुछ गिफ्ट हैम्पर्स वगैरह बनाने हैं तो उसके रिलेटेड भी इनके पास बहुत ज़्यादा स्टफ़ था। इनकी प्राइस कुछ 250 300 350 ऐसे थी। अगर आपको मेटालिक में चाहिए, मेटल में चाहिए तो वो भी इनके पास अवेलेबल है। ये है वो छोटा वाला बॉक्स जिसकी प्राइस उन्होंने मुझे 250 कोट की थी। नेक्स्ट, उनके जस्ट बाहर ना एक चाचा बैठते जिनके पास ये सारे एक्रेलिक के कटआउट्स वगैरह होते हैं, MDF के कटआउट्स होते हैं। अगर आपको ये ग्लास फ्रेम चाहिए तो वो भी यहाँ पे मिल जाएगी। सबकी प्राइस स्क्रीन पे मेंशन है सो डोंट वरी। एंड ये सारे कटआउट्स से जो बहुत ज़्यादा आजकल है ना ट्रेंड में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप इनसे इनोवेटिव होकर कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर सकते हो। मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ हमेशा कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता है। ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अच्छी थी इनके पास। नेक्स्ट, ये है जोगेश्वरी कलेक्शन। इनके पास आपको मेटल में मेटालिक में ना बहुत ज़्यादा सुंदर हैम्पर्स मिल जाते हैं। ये सारे आप अपने ट्रूसो पैकिंग में यूज़ कर सकते हो, बर्थडे के लिए अगर आपको कुछ गिफ्ट प्रेजेंट करना है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हो। इनके पास MDF में भी मिल रहे थे, वुड में भी मिल रहे थे। ये सारे जो भी अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इनकी प्राइस थी छोटे वाले की 300, बड़े वाले की थी 450, अलग अलग सबकी प्राइस थी। बट ये वाली स्टोर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ पे आपको ना अच्छे से अच्छा आइटम मिल जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल रेट्स पे। आई मीन आप खुद देख ही सकते हो कितना सुंदर कलेक्शन है। ये सारी चीज़ें आप जब डेकोरेट करते हो ना तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। अगर आपको ऐसे वुडन में चाहिए ना तो वुडन में भी आपको पैकेजिंग के आइटम्स मिल जाएगी। नेक्स्ट, ये है सदानंद। आज मैं ये वाला भी एक्सप्लोर करने वाली हूँ। ये जो भैया ना ये सारे किचन के रिलेटेड आइटम्स लेके बैठते हैं। इनके पास वाटर बॉटल्स, चम्मच वगैरह सब कुछ होगा इनके पास, स्पैचुला वगैरह सब कुछ। मुझे ये टिफ़िन बॉक्स अच्छा लगा जिसकी प्राइस उन्होंने मुझे 400 कोट की थी, बट कम हो जाएगी। ये वाटर बॉटल उन्होंने मुझे कोट की थी 100 रुपीज़ में, जो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, 1 लीटर की थी। एंड जो छोटी वाली थी उसकी प्राइस थी 80। नेक्स्ट, मुझे ये जूसर अच्छा लगा जिसकी प्राइस उन्होंने मुझे कोट की थी 280। एंड ये स्पूंस का फोक का सेट था, इसकी प्राइस थी 150। वुडन बोर्ड की बैम्बू कटिंग बोर्ड की थी 180 रुपीज़। और ये जो वाटर बॉटल्स है ना ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड करे, 250 में 3 बॉटल्स ये भैया दे रहे थे। नेक्स्ट, अगर आपको ये सोप डिस्पेंसर वगैरह चाहिए तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको हैंडकरचिप्स वगैरह चाहिए तो वो भी यहाँ पे मिल जाते हैं। सॉक्स चाहिए, जैसे अभी विंटर सीजन आ गया है एंड अगर आपको सॉक्स पहनने का शौक है तो ये वाले आप यूज़ कर सकते हो, जो आप एज अ सैंडल की तरह भी इनको पहन सकते हो। बाकी के जो भी आपको हैंडकरचिप्स दिख रहे हैं इनकी प्राइस थी 100 रुपीज़ फॉर 12 पीसेस। एंड अगर आप शूज़ वगैरह या सॉक्स वगैरह लेते हो ना तो उनकी प्राइस थी 100 फॉर 3 पेयर्स, जो बहुत ज़्यादा अच्छे थे आई मस्ट से, क्योंकि इनकी क्वालिटी पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इनके पास हैंडकरचिप्स का कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। नेक्स्ट, उनके जस्ट पास में एक और स्टॉल था जहाँ पे बच्चों के क्यूट क्यूट नाइट सूट्स मिल रहे थे। डेली वेयर में भी आप इनको बच्चों को पहना सकते हो, जो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। और इनकी प्राइस रेंज चालू हो रही थी 250 से। गाइस, जो सदानंद है ना उसके जस्ट बाहर के जो स्टॉल्स लगते हैं ना, मैंने वो 4-5 स्टॉल्स एक्सप्लोर किए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। सो आप अगर आओ ना तो ये सारे स्टॉल्स एक बार ज़रूर चेकआउट करना। वैसे ही उनके पास ना एक और स्टॉल था जहाँ पे है ना ये सारे सॉफ्ट टॉयज़ मिल रहे थे। और एज़ यूजुअल इनकी प्राइस रेंज भी चालू हो रही थी 200 से लेकर 800 के रेंज में। इनके पास बड़े बड़े टॉयज़ भी थे। नेक्स्ट, उनके जस्ट पास में एक और स्टॉल मुझे दिखा जहाँ पे ना मुझे फ्लोरल ज्वेलरी दिखी एंड ये हेयर वगैरह दिखे। ओ माय गॉड, मैंने ये स्टॉल ना पहले कभी क्रॉफर्ड मार्केट में नहीं देखा था। एंड इनके पास मुझे कलेक्शन पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आपको यहाँ पे हेयर एक्सेसरीज मिल जाती है, ये भी सारी फ्लैट 100 रुपीज़ में। मुझे ये सारे दादर में दिखे थे जो 100 रुपीज़ में सेल करते, मुझे नहीं मालूम था कि क्रॉफर्ड मार्केट भी मिलते हैं। फिर मैंने ये रिंग्स चेकआउट की, इनकी प्राइस फिक्स थी, आप कोई भी ले सकते हो 50। एंड सबसे ज़्यादा अच्छे तो मुझे ये वाले लगे, ये बंस लगे। आप नॉर्मल जूड़ा बना के उसके ऊपर ये लगा लो, बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगे, कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। और इनकी प्राइस थी सिर्फ 100। बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी थी। ये सारे जो भी मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ इनकी प्राइस सिर्फ 100 थी, आप कोई भी ले सकते हो। बाकी ये जो भी छोटी छोटी एक्सेसरीज थी ना वो भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल रेट्स पे थी।
नेक्स्ट मुझे ये जूड़ा अच्छा लगा पूरा, और इसकी पूरे की प्राइस थी 300। आई मीन सिर्फ 300 में ये भैया सेल कर रहे थे, और इन्होंने जो बाकी के आपको हेयर एक्सेस दिखा रही हूँ ना, इनकी प्राइस थी फ्लैट 100। आप कोई भी ले सकते हो। नेक्स्ट ना मुझे ये उन्होंने यूनिक चीज़ दिखाई, ये है रबर बैंड। आई मीन मस्कीटोज वगैरह आपको नहीं काटे इसलिए हाथ में एक बैंड बांधने का होता है। ये 100 रुपीज़ में 4 मिल रहे थे। ये क्लेम करते हैं कि आपको मच्छर वगैरह नहीं काटेंगे, सो एक बार ट्राई करना ज़रूर। नेक्स्ट जैसे अब्दुल रहमान स्ट्रीट में एंटर होते हैं ना, वहाँ पे कॉर्नर पे सबसे पहले एक स्टॉल आता है जहाँ पे ना आजकल बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी कॉर्सेट्स मिलते हैं, और इनकी प्राइस रेंज चालू होती है 1200 से। इनके पास जो भी कलेक्शन होता है ना वो पूरे मार्केट में कहीं नहीं होगा। आई मीन आपको इतना अच्छा कलेक्शन ना बड़ी बड़ी शोरूम्स में ही देखने को मिलेगा, बट ये सारे रोड साइड आपको दिख रहे हैं। मैं कभी ना पूरा डिटेल वीडियो इसका लाऊंगी, अभी मैंने सिर्फ ना पूरा मार्केट कवर करने की कोशिश की थी, तो मैं आपको सिर्फ इनका कलेक्शन थोड़ा बहुत दिखा रही हूँ कि इनके पास कैसा कैसा कलेक्शन है। मुझे ये सीक्वेंस वाला कॉर्सेट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एंड बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पर ये भैया सेल कर रहे थे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ब्लैंकेट्स मिल जाते हैं, ये सारे ब्लैंकेट्स मिल रहे थे जस्ट 4 रुपीज़ 350, बहुत ज़्यादा बढ़िया थे। सिंगल बेड के भी अवेलेबल थे एंड डबल बेड के भी अवेलेबल थे। नेक्स्ट बादशाह कोल्ड ड्रिंक्स एंड स्नैक्स के बाहर आपको स्टॉल्स दिख जाएंगे कपड़ों के। यहाँ पे ये सारे जो भी वन पीस वगैरह कॉर्सेस दिख रहे हैं ना, इनकी प्राइस रेंज चालू हो रही थी 350 से। नो डाउट इनके पास कलेक्शन हमेशा अच्छा रहता है, एंड जिनको कॉर्सेट्स पसंद है ना तो उनको ये स्टोर बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। नेक्स्ट बादशाह कोल्ड ड्रिंक्स एंड स्नैक्स के बाद ना एक और स्टॉल है जहाँ पे आपको चिकनकारी की कुर्तीस मिल जाती है, प्लेन कुर्ता सेट मिल जाता है, और इनकी प्राइस एंड चालू होती है 300 से। अगर आप सिंगल कुर्ती लेते हो तो उसकी प्राइस होती है 300, अगर आप पूरा सेट लेते हो तो उसकी प्राइस चालू होती है 650 से, एंड अगर आप गाउन लेते हो तो उसकी प्राइस होती है 550 और 600। नेक्स्ट यहाँ पे मुझे वॉचेस देखी बच्चों की जस्ट 4 रुपीज़ 150। आप 150 में कोई भी वॉच यहाँ से पिक कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर वॉचेस थी। आप लड़के के लिए लड़की के लिए ये सारी वॉचेस यूज़ कर सकते हो। मुझे ये पेस्टल कलर्स की वॉचेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट थी, एंड जो साइड में पड़ी है ना वो थोड़ी हैवी थी, उनकी प्राइस थी 250। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने और कुर्ता सेट चेकआउट किए, कॉर्ड सेट चेकआउट किए, और इनकी प्राइसिंग चालू हो रही थी 500 से। ये सारे 2 पीस कुर्ता सेट थे, आई मीन कुर्ता और पैंट मिलेगा, इनके साथ कोई दुपट्टा नहीं मिलेगा आपको, तो उनकी प्राइस अराउंड 500-600 ऐसे ही होती है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे ईयरिंग्स का स्टोर भी दिखा, आप यहाँ से कोई भी ईयरिंग्स ले सकते हो जस्ट 4 रुपीज़ 100। एंड इनके पास ना मुझे कड़ों का कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हर टाइम मैं आती हूँ ना तो मैं यहाँ से कड़ा ज़रूर लेती हूँ। ये सारे जो भी मैं अभी आपको कड़े दिखा रही हूँ ना, इनकी प्राइस फिक्स है 100, आप कोई भी ले सकते हो। इनके पास गोल्ड में भी अवेलेबल है, सिल्वर में भी अवेलेबल है, इवन मल्टी कलर में भी इनके पास कड़ा अवेलेबल है। प्लेन व्हाइट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, ब्लैक चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। ये सारे कड़े मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, एंड अगर आपको चूड़ियों का शौक है ना तो आपको यहाँ पे चूड़ियाँ भी मिल जाएगी बहुत ज़्यादा अच्छी ऑक्सीडाइज में, गोल्ड कलर में, जो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। एंड अगर आपको सिर्फ पर्ल्स वाले ये बैंड डालना पसंद है ना, तो इनकी प्राइस थी जस्ट 25 रुपीज़ ईच। 50 में ये भैया 2 सेल कर रहे थे। नेक्स्ट इनके ही पास ना आपको अगर एथनिक वेयर में चाहिए, या फिर वेस्टर्न वेयर, या फिर अगर आपको ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ही चाहिए तो वो भी यहाँ से आप ले सकते हो, और इनकी प्राइस भी फिक्स थी, कोई भी ले सकते हो 100। अब खुद कलेक्शन देखो कितना सुंदर और कितना प्यारा है, मुझे यहाँ पे ईयरिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। सो गाइस डू चेकआउट। उनके पास ना ऐसे नेक पीसेस भी मिल रहे थे आपको गोल्ड विद ब्लैक कॉम्बिनेशन में, या फिर सिर्फ कुंदन में चाहिए तो कुंदन में भी मिल जाएंगे, और अगर ऑक्सीडाइज में चाहिए तो ऑक्सीडाइज में भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट कंफर्ट के जस्ट सामने ना एक अंकल ये सारे है ना तोरन्स लेके बैठे थे, इनके पास तोरन भी थे, प्लस तोरन के साइड में जो हम लटकन्स लगाते हैं ना वो भी थे, और उनकी प्राइस उन्होंने मुझे कोट की थी 250 रुपीज़ फॉर पेयर। एंड अगर आप तोरन लेते तो उसकी प्राइस होती है कुछ अराउंड 200-250। अभी दिवाली का सीज़न चला गया तो ये प्राइस इनकी ये है अभी फ़िलहाल। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने विंचैम्स भी देखे, ये सारे बहुत ज़्यादा अच्छे थे, और इनकी प्राइस रेंज चालू हो रही थी 350 से। ऑब्वियसली आप यहाँ पे बार्गेन करवा सकते हो, मुझे ये ईविल आई वाला विंचैम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। नेक्स्ट एक भैया ऐसे ही ज़ारा के ड्यूब्स के शर्ट्स बेच रहे थे फ्लैट 300 में, कलर्स इनके पास बहुत ज़्यादा प्रिटी थे बट प्राइस बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे थे ये। नेक्स्ट आपको यहाँ पे चिकनकारी कुर्तीज़ मिल जाएगी, प्योर कॉटन मटेरियल में मिल जाएगी, रेयन मटेरियल में आपको मिल जाएगी, किसी पे हैंडवर्क होगा तो किसी पे एम्ब्रॉयडरी होगी, आपको जैसा जो अच्छा लगे ना वो आप यहाँ से पिक कर सकते हो।
नेक्स्ट यहाँ पे आपको स्टेशनरी के रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्टफ़ देखने को मिलेगा। अभी ये जो स्टॉल दिखा रही हूँ ना, ये कंफर्ट के बाहर का ही स्टॉल है। यहाँ पे आपको पेंसिल बॉक्स मिल जाते हैं और रबर बैंड्स वगैरह, रबर शॉर्पनर, पेंसिल स्टार्टिंग एट जस्ट 10 रुपीज़। इनकी प्राइसिंग चालू हो जाती है 10 रुपीज़ से। और ये सारे आपको मैं बॉक्सेस दिखा रही हूँ ना, इनकी प्राइस स्टार्ट हो रही थी 100 से। आई मीन किसी की 120 थी, किसी की 150, किसी की 200 ऐसे। एंड ये जो सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उनकी प्राइस चालू हो रही थी जस्ट 20 से, किसी की 10, 20, 30, 40, 50, जैसा आप पिक कर सकते हो। बट यहाँ पे नो डाउट स्टेशनरी का आइटम बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये सारे इरेजर्स थे और इनकी प्राइस थी जस्ट 10 रुपीज़। आप कोई भी पिक कर सकते हो। नेक्स्ट ये चिकन हैंडक्राफ्ट्स है ना, इनके पास ना बहुत ही सुंदर सुंदर रग्स होते हैं, कारपेट्स होते हैं, इवन इनके पास डोरमैट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे अवेलेबल होते हैं। और इनकी प्राइसिंग चालू होती है 200 से। अभी जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ ना, ये सारा इनका है ना इम्पोर्ट हुआ माल था, आई मीन जो कभी कभार इनके पास अवेलेबल होता है। और इनकी प्राइस फिक्स थी 200। ये सारे इतने बोहो वाइब्स दे रहे थे ना मुझे ये मॉर्निंग डार्लिंग का, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इनमें से आप कोई भी पिक कर सकते हो जस्ट फॉर 100 रुपीज़। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे ये भैया सेल कर रहे थे। लेकिन ये एक ऐसी आइटम है ना जो हर बार अवेलेबल नहीं होती, अगर आपको दिख गई आपने ले ली तो बस। नेक्स्ट अगर आपको स्कार्फ्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। ये सारे जॉर्जेट के स्कार्फ्स थे और इनकी प्राइस फिक्स थी 100। ये भैया मोस्टली पेयर लेते तो 100 में देते, अगर आप सिंगल लोगे तो भी आपको 50 में दे देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों के क्यूट क्यूट नाइट सूट्स आपको मिल जाएंगे, जिनकी प्राइसिंग चालू होते हैं जस्ट 200 से। और ये सारे प्योर कॉटन मटेरियल में है, लड़कों के भी मिल जाते हैं, इवन आपको यहाँ पे लड़कियों के भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट गाइज हम अभी एक्सप्लोर करेंगे शेख मेमन स्ट्रीट, जिसे मस्जिद गली भी कहते हैं। सो गाइज सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे वाटर बॉटल्स का कलेक्शन दिखाती हूँ, क्योंकि इस पूरे गली में आपको स्टेशनरी मिलेगा, आपको ये सारे वाटर बॉटल्स का कलेक्शन, घर के रिलेटेड क्रॉकरी एंड कपड़े देखने को मिलेंगे। ये सारी वाटर बॉटल्स में जो अभी आपको दिखा रही हूँ ना, ये थोड़ी महंगी थी, आई मीन इनकी प्राइस थी 350। बाकी की जो वाटर बॉटल्स हैं उनकी प्राइस एज यूजुअल चालू हो जाती है 200 से। बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे इनके पास वैरायटी के वाटर बॉटल्स होती है, मुझे यहाँ पे वाटर बॉटल्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। नेक्स्ट यहाँ पे ना आपको स्टोर्स भी मिल जाते हैं ब्यूटी के रिलेटेड, लेकिन मैं आपको सिर्फ स्ट्रीट शॉपिंग दिखा रही हूँ। तो स्ट्रीट शॉपिंग में मुझे ये नेल्स अच्छे लगे, इनकी प्राइस चालू हो रही थी जस्ट 100 से। इनके पास पूरा कॉस्मेटिक के रिलेटेड पूरा स्टफ था। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे आपको पिगी बैंक्स मिल जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 200-250 लास्ट होता है इनके पिगी बैंक्स का। कोई 300 भी बोल देता है, बट कम करके आपको 250 में इजीली दे देंगे। इनके पास क्ले वगैरह सब कुछ होता है, सब कुछ सिपर्स से लेकर हैंड सोप्स, पेपर सोप्स आते हैं ना वो आपको मिल जाते हैं, पेंस मिल जाते हैं, सब कुछ। एंड आपको कंफर्ट के जस्ट बाहर ना, जैसे आप शेख मेमन स्ट्रीट में एंटर होते हो ना, आपको क्रॉकरी आइटम देखने को मिल जाएगी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 50। इतनी सुंदर आपको इस मार्केट में क्रॉकरी मिलेगी ना, क्रॉफर्ड मार्केट वैसे भी बहुत ज़्यादा फेमस है क्रॉकरी के लिए। मुझे ये वाला ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसकी प्राइस उन्होंने मुझे 600 कोट की थी, नेक्स्ट इसकी प्राइस उन्होंने मुझे 350 कोट की थी। बार्गिन करोगे तो थोड़ा कम हो जाएगा। उनके जस्ट पास में ना एक स्टॉल था जहाँ पे आपको ये सारे डक बैग्स मिल जाते हैं और इनकी प्राइस फिक्स थी, आप कोई भी ले सकते हो 100। नेक्स्ट आपको अगर प्लास्टिक का सामान चाहिए, जैसे आपको स्टोरेज बॉक्सेस वगैरह चाहिए, कुछ स्पून्स वगैरह रखने के लिए चाहिए, तो आपको वो सब कुछ यहाँ पे इजीली मिल जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 20। इनके पास स्टोरेज बॉक्स में बहुत ज़्यादा कलेक्शन था। नेक्स्ट अगर आप एक कप लवर हो, अगर आपको टी लवर, कॉफ़ी लवर हो, तो अगर आपको मग्स का कलेक्शन रखना पसंद है तो आपको ये स्टॉल ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि इनके पास कप स्टार्ट हो जाते हैं जस्ट 80 से। एंड बहुत ही ज़्यादा प्रिटी कलेक्शन रखते हैं ये भैया। नेक्स्ट उनके जस्ट पास में ही ना आपको ये कुर्ता सेट्स का कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। ये सारे कुर्ता सेट से 2-पीस सेट है और इनकी प्राइसिंग चालू होती है 550 से, क्योंकि इनके पास सिंगल गाउन्स भी अवेलेबल है। अगर आप सिंगल पीस लेते हो ना, सिंगल गाउन, तो उसकी प्राइस चालू होती है 500-550 से। अगर आप पूरा कुर्ता सेट लेते हो तो उसकी प्राइस होती है 650, कभी कभार 700 भी होता है। एंड अगर आप 3-पीस कुर्ता सेट लेते हो ना, तो उसकी प्राइस 900-1200 कुछ ऐसे होती है। नो डाउट यहाँ पे मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट मुझे ना ब्यूटी सेंटर के जस्ट सामने ये भैया फुटवेयर लेके बैठते हैं, इनके पास पूरे हैंडवर्क वाले फुटवेयर होते हैं। ये सारी जूतीस देखो जो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इनकी प्राइस 300 थी। एंड जो आपको बीट्स वाले दिख रहे हैं ना, उनकी प्राइस ये भैया कोट करते हैं 400, बट आपको लास्ट प्राइस 300-350 में आपको ईजिली दे देंगे। आपकी बार्गेनिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए बस। और बाकी के जो भी आपको ये फ्लैट्स दिख रहे हैं ना, किसी की प्राइस 200 होगी तो किसी की 250 होगी तो किसी की 300 होगी, डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से बार्गेन करवा सकते हो। नेक्स्ट गाइस
क्रॉफर्ड मार्केट इज़ फेमस फॉर क्रॉकरी, आपको पूरे गली में और पूरे मार्केट में क्रॉकरी इसी गली में मिलेगी, और इतनी सुंदर सुंदर क्रॉकरी मिलेगी ना आपको, बहुत ज़्यादा क्रॉकरी मिलने वाली है इस गली में। फिर मैंने और फुटवेयर चेकआउट किया और ये सारे उन्होंने मुझे प्राइस 350 कोट की थी एज़ यूजुअल, बट आप कम करा के 300 लास्ट, अगर नहीं माने तो आपको 350 भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि कोई कोई होता है जो मानता ही नहीं है। नेक्स्ट, अगर आपको यहाँ पे कर्टेंस चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 100 रुपीज़। शेयर कर्टेंस इवन अवेलेबल है इनके पास, ब्लैकआउट कर्टेंस भी अवेलेबल है, फ्लोरल कर्टेंस भी इनके पास अवेलेबल है, सो टू चेकआउट। नेक्स्ट गाइस, ये है लक्ष्मी टेक्सटाइल्स और इनके जस्ट बाहर एक स्टॉल लगता है, टोट बैग्स वगैरह, आपको बैग्स वगैरह, पर्स वगैरह मिल जाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 200 to 600 के रेंज में, आपको यहाँ पे टोट बैग्स भी इजीली मिल जाएंगे। जैसे ये छोटा वाला पर्स मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा और उसकी प्राइस सिर्फ 200 थी। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे चिकनकारी के सेट्स मिल जाते हैं, सिंगल गाउन्स मिल जाती है, कुर्ता सेट मिल जाता है, आपको जो चाहिए वो, अगर आपको हैंडवर्क, आजकल हैंडवर्क भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आपको हैंडवर्क में आलिया कट पैटर्न में ड्रेसेस मिल जाएंगे, मिरर वर्क में, फॉयल मिरर में अगर आपको चाहिए तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाता है, आपको ट्रेड वर्क चाहिए तो ट्रेड वर्क भी यहाँ पे मिल जाता है। एंड गाइस ट्रस्ट मी, पहले इस मार्केट में ना इतना ज़्यादा एथनिक कलेक्शन नहीं था, बट अभी अभी मुझे इतना सुंदर एथनिक कलेक्शन देखने को मिल रहा है ना पूरे मार्केट में, बहुत ज़्यादा सुंदर। नेक्स्ट, अगर आपको यहाँ पे इस गली में डोरमैट्स भी मिल जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम ₹200 फॉर पेयर, एक पेयर का 200, इनके पास 250 वाले भी अवेलेबल थे एंड इनके पास 350 वाले भी अवेलेबल थे। ये सारे पेयर में ये भैया सेल कर रहे थे, ये सिंगल सिंगल पीस नहीं दे रहे थे, अगर आपको चाहिए तो दो लेने ही पड़ेंगे, बट अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो शायद मे भी दे दें, मुझे तो नहीं दिए थे। नेक्स्ट, यहाँ पे बच्चों के क्रॉक्स मिल रहे थे फ्लैट फॉर ₹150, इनके पास अप टू 14 इयर्स के क्रॉक्स अवेलेबल थे और स्टार्ट हो रहे थे अराउंड 1 या 2 इयर्स से इनके पास। नेक्स्ट, यहाँ पे मस्ट हैव क्रॉकरी के बाहर ना आपको और क्रॉकरी दिख जाएगी, आई मीन अगर आपको कांच के ग्लासेस का बहुत ज़्यादा शौक है, सिप्पर्स अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है कांच में, तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे लिड वाले, बिना लिड के। यहाँ पे बहुत कुछ मिल रहा था, जार्स मिल रहे थे जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, आई मीन मुझे बहुत ज़्यादा क्रॉकरी पसंद आती है। ये है सफ़ा सेंटर, सफ़ा सेंटर खुद एक ना होलसेल मार्केट है, यहाँ पे पूरे 5 फ्लोर्स है, आप एक बार आओ तो एक्सप्लोर करना। एंड उनके जस्ट बाद ना आपको एक स्टॉल दिखेगा जहाँ पे मुझे एथनिक कलेक्शन बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा यूनिक लगा। जैसे ये सारा पीसेस ना मेरे को और किसी के पास, आई मीन थोड़े बहुत कॉमन थे बट कोई कोई पीसेस ऐसे थे जो किसी के पास नहीं थे। एंड इनकी प्राइस एज यूजुअल चालू हो रही थी 600 से लेकर 1200 के रेंज में। मुझे ये आलिया कट वाला ड्रेस 3 पीस कुर्ता सेट था ये, और इसकी प्राइस उन्होंने मुझे 1200 कोट की थी, लास्ट प्राइस उनकी 1100 थी, उससे बिल्कुल कम नहीं कर रहे थे ये। नेक्स्ट, उनके जस्ट पास में ना आपको बच्चों के 1 पीस मिल जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹200, आप कोई भी ले सकते हो। ये सारे सीक्वेंस में थे, इनके पास कलर्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे। अगर आपको प्लेन फ्रॉक चाहिए ना तो वो भी यहाँ पे आपको नेट की फ्रॉक मिल जाएगी, आपको अगर रेनबो कलर्स में चाहिए तो यहाँ पे रेनबो कलर्स की भी फ्रॉक मिल जाएगी, मैं लास्ट टाइम ऐसी फ्रॉक लेकर गई थी। अगर आपको सिंपल सोबर में कोई फ्रॉक चाहिए तो वो भी यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगी। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे ग्लेयर्स मिल जाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹80, यहाँ पे आपको बच्चों के, बड़ों के, लड़कों के, लड़कियों के ग्लेयर्स बहुत ही ज़्यादा इजीली मिल जाएंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे आप अपने बच्चों की भी शॉपिंग कर सकते हो, यहाँ पे बच्चों के भी क्यूट क्यूट पीसेस मिलते हैं, जैसे शॉर्ट्स हो गए, डेनिम हो गया, फ्रॉक हो गई, स्कर्ट हो गई, एंड वो भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे। जैसे ये सारे सिंगल सिंगल पीस आपको मिल जाएंगे ₹150 स्टार्टिंग से, आप उसमें स्कर्ट ले सकते हो, कोई टॉप ले सकते हो, कोई पैंट ले सकते हो, कुछ भी। एंड ये सारे मैं आपको अभी फ्रॉक्स दिखा रही हूँ ना, इनकी प्राइस चालू हो रही थी 250 से, एंड आपको ये अप टू 14 ईयर्स तक आपको ईजिली यहाँ पे मिल जाएंगे। आप चाहो तो रोड साइड शॉपिंग कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे बड़ी बड़ी शोरूम्स भी है, बड़ी बड़ी शॉप्स भी है, आप वहाँ से भी शॉप कर सकते हो। लड़कों के लिए भी यहाँ पे मैं आपको आज कलेक्शन दिखा रही हूँ, जैसे आपको यहाँ पे ये सारे डेनिम्स मिल जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹200, यहाँ पे लड़के लड़कियों दोनों का कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एंड अगर आप एक चिकनकारी लवर हो, आपको चिकन की कुर्तीज़ पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपको क्रॉफर्ड मार्केट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हर तरह की चिकनकारी कुर्ती मिल जाएगी, लखनवी कुर्ती मिल जाएगी, अगर आपको मलमल कॉटन में चाहिए, डुअल शेड में चाहिए, या फिर शॉर्ट चाहिए, लॉन्ग चाहिए, कॉटन चाहिए, हर तरह की कुर्ती आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड अगर आपको अपने बच्चे के लिए पार्टी वेयर ड्रेसेस चाहिए, जैसे बर्थडे के रिलेटेड हो गया वेस्टर्न में, तो आपको यहाँ पे बहुत ही क्यूट क्यूट फ्रॉक्स मिलने वाले हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹300। आप यहाँ पे शोरूम्स में जाके भी ले सकते हो, उनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होती है, एंड रोड साइड तो आपको बहुत ही ज़्यादा कम रेट्स में बहुत ही सुंदर फ्रॉक्स मिल जाएगी। नेक्स्ट, ये सारे बैग्स मिल रहे थे जस्ट फॉर ₹350,
टोट बैग्स थे, कोई स्लिंग्स थे, कोई पर्स थे, कोई वॉलेट वगैरह सब कुछ था, सब कुछ इनके पास मिक्स था और इनकी प्राइस चालू हो रही थी 350 से। फिर मैंने और बच्चों के कपड़े चेकआउट किए, छोटे छोटे बच्चों के, जैसे आपको डेनिम में कोई चाहिए, जॉगर में चाहिए, आपको नॉर्मल कॉटन का पैंट चाहिए बच्चों के लिए, शॉर्ट्स चाहिए, डेनिम शॉर्ट्स चाहिए, स्कर्ट्स चाहिए, तो वो भी यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है इस मार्केट में। आपको क्रॉकरी हो, स्टेशनरी हो, बच्चों के कपड़े वगैरह हो, फ्लावर्स हो, लाइट्स हो, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारे लड़कों के टी शर्ट्स है जिनकी प्राइस थी फ्लैट 250। बोहो बैग्स चाहिए तो आपको वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको पैकिंग की आइटम चाहिए ना, जैसे पैकिंग ट्रेस वगैरह, हैम्पर्स वगैरह चाहिए, तो वो भी यहाँ पे आपको ईजिली मिल जाएंगे। ये स्टोर ना जस्ट ब्यूटी सेंटर के बाहर है, सो एक बार इस मार्केट में आओ तो ज़रूर चेकआउट करना। इनकी प्राइसें चालू होती है जस्ट 50 से। अगर आपको नेट में चाहिए तो नेट में भी मिल जाएगा, प्लेन में चाहिए तो प्लेन में, अगर आपको थोड़ा हैवी में चाहिए तो इनके पास हैवी के पैकेजिंग ट्रेस वगैरह, हैम्पर्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। सो डू चेकआउट। सो गाइस, नेक्स्ट ना मुझे ये सारे बॉक्सेस वगैरह दिखे जो आप स्टोरेज बॉक्सेस की तरह यूज़ कर सकते हो। आई मीन अगर आपको कोई स्टोर करना हो तो चॉपर चाहिए, तो आपको वो हैंड वाला चॉपर चाहिए, वाटर बॉटल्स चाहिए, या फिर छोटी ज्वेलरी अगर आपको है ना स्टोर करने के लिए बॉक्सेस चाहिए तो वो भी मिल जाएंगी। नेक्स्ट ये है ब्यूटी सेंटर। ब्यूटी सेंटर में आपको सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे मिलते। सो ब्यूटी सेंटर, अगर आप कॉस्मेटिक लवर हो ना, आपको मेकअप अगर पसंद है, तो आप ब्यूटी सेंटर ज़रूर चेकआउट करना। सो गाइस, दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो। मैंने सब कुछ इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। चलो मिलते अगले वीडियो में, टिल देन बी सेफ, बाय।